हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश, मेरे सारे यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? माता रानी की कृपा से आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए, आज मैं हूँ घर पर अपने और मैं जा रहा हूँ आज खेत जुताई, हल से खेत। देखिए, पहले के ज़माने में लोग हल से खेत की जुताई करते थे, लेकिन आज के ज़माना एक नया है जो ट्रैक्टरों से जुताई कर रहे हैं। लेकिन आज मैं जाऊँगा वहाँ जहाँ पर लोग कर रहे हैं हल की जुताई, और मैं जा रहा हूँ देखिए हल की जुताई में, और देखता हूँ आज। देखिए आप सब लोग, देखिए हल की जुताई कैसे होती है खेतों की। तो आप देखते रहिए वीडियो, और मैं जा रहा हूँ खेत में गाड़ी लेके अपनी, और मैं चल दिया फाइनली हल जोतने खेत की ओर। और देखिए, ये मेरा घर का रास्ता। पहले के ज़माने में लोग हल ही चलाते थे, अब एक नया ज़माना है, आजकल ट्रैक्टर चलाते हैं। लेकिन हल से खेत अच्छा होता है और भुरभुरा होता है और ज़मीन उपजाऊ होती है। और मैं दिखाता हूँ आज आपको हल की जुताई कैसे होती है, हल की जुताई गांव में। दोस्तों, मैं आज निकला हूँ वहाँ जहाँ आज होगी खेतों में हल की जुताई, और मैं करूँगा खेत की से हल की जुताई। और मैं देखता हूँ, मैं जा रहा हूँ आगे कहाँ मिलता है मुझे खेत में हल जोता हुआ कोई आदमी। और मैं जा रहा हूँ आगे अभी अपनी गाड़ी लेके, और देखता हूँ कहाँ हो रही है हल से जुताई खेतों में। सब जगह ट्रैक्टर चल रहे हैं देखिए, और मैं देख रहा हूँ कि कहीं हल से जुताई कहाँ पर हो। और यह है देखिए देहरादून हाईवे, ये देखिए सोयाबीन अभी नहीं कटी है, उड़द कट चुकी है गाँव में आजकल। देखिए ये आ रहा है, देखिए हैरो लेके आ रहे हैं ट्रैक्टर से, और यहाँ पर हो रही है जुताई। देखिए यहाँ पर बोई जा रही है बरसीम, देखिए सामने खेत में, ये देखिए गाँव में, और ट्रैक्टर यहाँ पर है खड़ा। देखिए लोग बैलों को भूल गए हैं आजकल। और अब मैं जा रहा हूँ गांव की ओर, देखिए अंदर मुझे मिलेंगे हल चलाते हुए लोग यहाँ पर, क्योंकि ये गांव है। देखिए यहाँ पर चले हैं बैल, ये देखिए ये लगा रहे पटेला। और देखिए मैं, और दोस्तों देखिए मैं पहुँच चुका हूँ फाइनली अभी खेत पे, देखिए। और यहाँ चला रहे हैं भाई साहब पटेला, गेहूँ बो दिए इसमें, गेहूँ बुआई हो गई। हाँ देखिए ये पटेला लगा रहे हैं, ये देखिए गांव में देखिए पटेला लगा रहे हैं, देखिए छोटा सा पटेला, और ये काले बैल दो हमारे। और मैं करूँगा यहाँ पर अभी, यहाँ पर लगाऊँगा पटेला देखिए। और भाई साहब से मैं छीन हाथ में लेके, ये देखिए इन हाथ में इसकी नाप पकड़ी हुई है हाथों में, और अभी हम चलाते हैं पटेला। तो आगिन बेटी, मैं जो बल्दी से बाहर डाल, पटेला लगता है ऐसे। और अब मैं इस पटेले को करके अब मैं जुताई करूँगा, हल की जुताई करूँगा हल से।
और देखिए गांव में पटेला ऐसा और उसमें गेहूं बो चुके हैं और ये पटेला देखिए ऐसे लगाते हैं, पहले के जमाने में ऐसे लगाते थे, क्या अब लगाने लग गए भाई साहब पटेला। ये देखिए पटेला ऐसे लगाते हैं पटेला देखिए। और दोस्तों देखिए अब हल आ गया है, अब हम चलाएंगे हल। देखिए दो पंखिया हल कहते हैं इसे, और देखिए पहले लोग कहते थे कि एक पंखिया होता है दो पंखिया, तो ये देखिए दो पंखिया हल है ये देखिए। और अब इससे करेंगे हम जुताई, ये देखिए हल आगे से ये देखिए ये करने लगे भाई साहब फिट, देखिए आगे से बैलों को फिट करने लगे। और अब देखो दोस्तों मैं करूँगा जुताई, पहले से लोग हलों से ही जुताई करते थे, अब ये कुछ 10 सालों से ये आ रहा है कि गाँव में लोग ट्रैक्टरों से जुताई कर रहे हैं। लेकिन देखिए आज मैं आपको दिखाऊंगा, और बच्चे भी देखिए यहाँ पर आगे देखिए देखने के लिए सर। देखिए बैल बिल्कुल लाइन से जा रहे हैं, देखिए दोस्तों देखिए ऐसे होती है जुताई। पुरानी बैल है ना, तो दोस्तों देखिए ऐसे होती है जुताई। और काफी समझदार बैल है, काफी बुजुर्ग बैल है, तो देखिए बिल्कुल लाइन से जा रहे हैं। और देखिए मैं कर रहा हूँ देखिए गांव में, इसमें अब वो बुआई होगी गेहूं की, और मैं चला रहा हूँ बैल। हट
और दोस्तों मैं ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। काफ़ी लगी है धूप और अब मैं चलता हूँ घर की ओर। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।